नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बुद्धिजीवियों और कलाकारों का एक पूरा वर्ग खड़ा हो गया है। ऐसे में भला बॉलीवुड का एलीट वर्ग कैसे पीछे रहता। उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोने हेतु विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, चाहे उन्हें बिल के बारे में लेश मात्र भी ज्ञान न हो। अगस्त क्रांति मैदान के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों में ये भी उजागर हुआ कि कैसे कई बॉलीवुड सितारे केवल विरोध करने के लिए इस कानून का विरोध कर रहे थे, जबकि उन्हें इस बिल के बारे में लेश मात्र भी ज्ञान ना था। ऐसे ही एक विरोधी निकले पारसी अभिनेता जिम सार्ब, जिन्होंने नीरजा में अपने अभिनय से सभी को चौंकाया था। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने अ डेथ इन द गंज, पद्मावत, संजू जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। नीरजा में खलील और पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के विश्वसनीय सेनापति मलिक काफूर के लिए उन्हें फिल्मफेयर के सर्वोच्च सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इसी कड़ी में जिम सार्व ने भी सीए के विरुद्ध हो रहे प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और जब उनसे पूछा गया कि वे इन प्रोटेस्ट में क्यों हिस्सा ले रहे हैं, तो उन्होंने बताया, सीए को अकेले एक स्टैंड अलोन बिल के तौर पर नहीं देखा जा सकता। आपको इस बिल को पढ़ने के लिए इतिहास की ओर देखना होगा और आपको बता दें कि वर्तमान सरकार ध्रुवीकरण और भेदभाव की राजनीति में विश्वास रखती है। गुजरात के दंगों को देख लीजिए, आरएसएस के उत्थान को देखिए, शहरों के नाम बदलने की बात हो, इतिहास को दूसरी तरह से बताना हो, गौरक्षक, लिंचिंग व लव जिहाद कश्मीर में संविधान की मर्यादा को तार तार करना, आतंक के आरोपियों और दुष्कर्मियों की नियुक्ति, आप बस बोलते जाइए और सरकार ने यह सब किया है। इस राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा के मैं विरुद्ध हूं और इसलिए मैं बिल के विरुद्ध हूं। सर्वप्रथम तो जिम सार्ब की अज्ञानता के लिए हमें उन पर तरस आता है। एक पारसी होते हुए वे जिस तरह से सीए का विरोध कर रहे हैं, वो उन्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। वे उस समुदाय से संबंध रखते हैं जिन्होंने अपने मूल देश ईरान में काफी अत्याचारों का सामना किया था। 9वीं सदी आते आते इस्लाम आक्रांताओं ने न केवल पारसियों पर आधिपत्य जमा लिया, अपितु वहां के स्थानीय पारसी समुदाय पर बर्बरता ढानी शुरू कर दी। उन्हें किसी भी देश ने आसरा देने से मना कर दिया था, परंतु भारत ने उनसे मुंह नहीं मोड़ा। आज पारसी समुदाय न केवल भारत के सबसे शक्तिशाली समुदायों में से एक है, अपितु उन्हें भारत में काफी मान सम्मान भी मिलता है। जियो पारसी योजना के अंतर्गत उनके समुदाय के संरक्षण का भी बीड़ा भारत सरकार ने उठाया है। मजे की बात तो यह है कि जिम सार्ब ने इतिहास की दुहाई दी है, जबकि उन्हें इतिहास का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। यदि उन्होंने ऐतिहासिक परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सोचा होता, तो उन्हें मालूम चलता कि भारतीय सभ्यता कितनी महान और दयालु है। यह वही भारतवर्ष है जिसने पारसी के अलावा यहूदी समुदाय को आश्रय दिया और उन्हें भी किसी अन्य समुदाय की भांति उचित सम्मान भी दिया। जिम सार्ब के बयान से यह साफ होता है कि उन्हें अपनी सभ्यता का कोई ज्ञान नहीं है और वे वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। एनआरसी के बारे में जिम सार्ब ने जो बातें कही, उससे साफ पता चलता है कि वो भी फरहान अख्तर की तरह इस विषय पर अज्ञानी हैं। जिम के अनुसार एनआरसी के कारण भारतीय मुसलमानों को स्टेटसलेस घोषित कर दिया जाएगा, जो कि पूरी तरह झूठ है। उन्होंने यह भी कहा कि एनआरसी सीएए ट्रांसजेंडर, नास्तिक, महिला, आदिवासियों और गरीबों को देश से बाहर कर देगा। बता दें कि उस पोस्ट पर एक जिहादी ग्रुप आई स्टैंड विद कश्मीर के लोगों के साथ भारत का शत विशत मानचित्र था। सच कहें तो जिम सार्ब को इस कानून से खुश होना चाहिए, क्योंकि उनके पारसी समुदाय को अब भारत में ज्यादा मान सम्मान मिलेगा।